Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। राम मंदिर अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम का जबलपुर में रहने वाली 88 साल की उर्मिला चतुर्वेदी अभी भी न्योता मिलने की राह देख रही हैं। उर्मिला चतुर्वेदी श्री राम की ऐसी अनन्य भक्त हैं जिन्होंने बीते 28 सालों में राम मंदिर निर्माण का इंतजार किया है। करीब 28 साल उन्होंने संकल्प लेकर अन्न का त्याग कर दिया था। उम्र दराज होने के बावजूद आज भी उर्मिला चतुर्वेदी का ये संकल्प कायम है और वे केवल फल और जल ही ग्रहण करती हैं। उनका सपना है कि राम मंदिर निर्माण के समय वहां पहुंचकर श्री राम का पूजन करें और फिर प्रसाद के रूप में अन्न ग्रहण करें। लेकिन इस अनोखी राम भक्त को मंदिर निर्माण के लिए होने वाले आयोजन में अभी कोई निमंत्रण नहीं मिला है। इसके बावजूद वह अपनी भक्ति में लीन है। अपने घर पर रहकर ही उर्मिला सुबह शाम भगवान राम का पूजन करती हैं और राम मंदिर निर्माण के लिए प्रार्थना करती हैं। उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि अभी तक उन्हें न्योता नहीं मिला, लेकिन वे फिर भी खुश हैं क्योंकि सालों की तपस्या के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जो अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश की शान होगा। वहीं भूमि पूजन के लिए राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले कोठारी बंधुओं के परिजन को आमंत्रित किया गया है। पूर्णिमा कोठारी ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फोन करके भूमि पूजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जब कोरोना काल में लिमिटेड लोगों को अयोध्या बुलाया जा रहा है, ऐसे में मुझे आमंत्रित करना मेरे भाइयों का सम्मान करना है। आंखों में खुशी के आंसू हैं और कहा, मेरा जन्म धन्य हो गया। वहीं अयोध्या भूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को राम मंदिर शिलान्यास समारोह का निमंत्रण मिला। इकबाल ने कहा कि ये राम जी की इच्छा है कि मुझे निमंत्रण मिला, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे उस दिन अयोध्या की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। आमंत्रण मिलने के बाद इकबाल अंसारी ने कहा कि मैं कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। इकबाल अंसारी भूमि पूजन में पीएम नरेंद्र मोदी को रामचरितमानस और रामनामा भेंट करेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन में बाबरी मस्जिद में फरीक रहे। इकबाल अंसारी सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदर जफर अहमद फारूखी और अयोध्या के रहने वाले पद्म श्री मोहम्मद शरीफ भी शिरकत करेंगे। वहीं AIMIM पार्टी के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना भाजपा नेता और मुख्य प्रवक्ता कृष्णा सागर राव ने राम मंदिर के भूमि पूजन में आमंत्रित किया है। राव ने बताया, 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा और उन्होंने वामपंथी और AIMIM जैसी पार्टियों के विरोध को तुच्छ बताया। उन्होंने कहा कि इन जैसी पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। वहीं करीब 500 साल बाद 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की शुभ घड़ी आ रही है। इस यात्रा में कई लोगों ने अपनी जिंदगी खपाई है। इससे जुड़ा जिक्र जब भी होगा इसके प्रमुख किरदारों को याद किया जाएगा। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, महंत अवैधनाथ, सुरेश बघेल, कोठारी बंधु और प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग शामिल हैं जिनकी इस बदौलत यह सफर निर्माण तक पहुंचा है। ये तो चर्चित नाम है, लेकिन कुछ गुमनाम भी हैं जिनके जिक्र के बिना यह आंदोलन अधूरा माना जाएगा, जैसे महंत रघुवर दास, गोपाल सिंह, विशारद के नायर और सुरेश बघेल आदि। महंत रघुवर दास 30 साल पहले 1990 में राम मंदिर आंदोलन में शामिल होकर बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने की पहली और मजबूत कोशिश करने वाले वृंदावन के हिंदूवादी नेता सुरेश बघेल का नाम शायद ही आज किसी को याद हो। राम मंदिर आंदोलन के ये वही हीरो हैं जिन्होंने आंदोलन की चोट माथे पर ली। इतना ही नहीं, उस चोट का दर्द भी पिछले 30 सालों से कोर्ट कचहरी, गिरफ्तारियां, जेल, धमकियां, मुफलिसी और परिवार से दूरी के साथ झेल रहे हैं। इस आंदोलन में शामिल कई लोगों को पद मिले, प्रतिष्ठा मिली और इन्होंने सत्ता का सुख भोगा। लेकिन इसके सच्चे हीरो बघेल आज भी एक ठेकेदार के नीचे निजी कंपनी में 6,000 रुपये प्रति माह पर काम करके गुजर बसर कर रहे हैं। कभी किसी पार्टी ने उनकी सुध नहीं ली।
वहीं अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन के लिए पूरे नगर को एक अभेद किले में बदलने की तैयारी है। वहीं सुरक्षा के लिए भारी भरकम फोर्स तैनात की जाएगी। 4 और 5 अगस्त को अयोध्या की सुरक्षा में 3500 पुलिसकर्मी, 40 कंपनी BAC, 10 कंपनी RAF, 2 DIG व 8 पुलिस अधीक्षक तैनात रहेंगे। सुरक्षा की कमान ADG कानून व्यवस्था संभालेंगे। COVID-19 संक्रमण के कारण सुरक्षा व्यवस्था में 45 साल से कम उम्र के सुरक्षाकर्मी ही तैनात किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के मद्देनजर अयोध्या राजमार्ग भी बंद किया जा सकता है। कांग्रेस ने अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के लिए गठित ट्रस्ट के सभी निर्णयों के समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने कहा, राम मंदिर के लिए जो भूमि पूजन हो रहा है, इसमें कौन हिस्सा लेगा कौन नहीं लेगा, यह निर्णय सिर्फ ट्रस्ट का है। जो निर्णय लेंगे हम उसका समर्थन करते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी ने भी राम मंदिर को लेकर कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। अयोध्या को भव्य व दिव्य बनाया जा रहा है, इसके लिए अयोध्या नगरी को पीताम्बरी ओढ़ाई जा रही है। भूमि पूजन से पहले अयोध्या नगरी को पीले रंग में रंगकर शुभता का संदेश दिया जा रहा है। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से लेकर सरयू तट तक दोनों ओर के हिस्से को पीले रंग से रंगा जा रहा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को ट्रस्ट ने रामलला के दरबार में जाने पर रोक लगा दी है। अब उनके स्थान पर सहायक पुजारी संतोष दास पूजा करेंगे। आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में सम्मिलित होंगे, जिस कारण से पूरे परिसर को रविवार को सैनिटाइज कराया गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में पिछले दिनों हमारे सहायक पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हमें भी 3 दिन की रोक लगाई है। वहीं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी 5 अगस्त को अयोध्या नहीं आएंगे। चौमासा नक्षत्र के कारण प्रयागराज के स्वामी वासुदेवानंद महाराज अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकते। इस कारण उन्होंने भी अयोध्या में होने वाले 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इन लोगों को आमंत्रित किया गया है। श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक भूमि पूजन समारोह में साधु और संत विशिष्ट हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि कुछ लोगों में इस बात की निराशा है कि उन्हें भूमि पूजन में आमंत्रण नहीं मिला है। इसके बावजूद आमंत्रित हुए कुछ ऐसे विशिष्ट लोग भी हैं जिन्होंने अपनी व्यस्तता और अवस्था या कोरोना वायरस से हो रहे संघर्ष का हवाला देते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने से मना कर दिया है। जिनमें कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेल भेजकर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थता जता दी है। बताया जा रहा है कि इसमें ट्रस्ट के 2 सदस्य के पराशरण और प्रयागराज के वासुदेवानंद महाराज भी शामिल हैं। फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने COVID-19 का हवाला देते हुए मुख्य समारोह से दूर रहने की बात कही है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अनुसार राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने अधिक उम्र के होने के कारण अयोध्या पहुंचने में असमर्थता जताई है। इन दोनों नेताओं ने अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल होने की बात कही है। ट्रस्ट के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के पैरोकार रहे के पराशरण भी अधिक उम्र की वजह से चेन्नई से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन में शामिल होंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना की वजह से अस्पताल में हैं, इस वजह से ये भी अयोध्या नहीं पहुंच सकेंगे। वहीं 5 अगस्त को अयोध्या में प्रभु राम की जन्म स्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ ही हिंदुस्तान की सियासत का एक महत्वपूर्ण पन्ना बंद हो जाएगा। 3 दशकों से भी अधिक से समय से देश की सियासत जिस मंडल कमंडल के इर्द गिर्द घूम रही थी, वह अब इतिहास के पन्नों में सिमट गई है। मंडल यानी पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 52% आरक्षण देने के लिए बना आयोग, और कमंडल मतलब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया अभियान।
मंडल कमंडल कियासत ने अगड़े पिछड़े के नाम पर हिंदुओं में बड़ी फूट डाली थी और इसके लिए संविधान को मोहरा बनाया गया था। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनलॉक 3 में और तेज करने के लिए एक और बड़े राहत पैकेज की घोषणा सरकार कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस राहत पैकेज में कोरोना महामारी से संकट में आए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से कोविड फंड बनाने की घोषणा हो सकती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय और उद्योग जगत के बीच इस फंड की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसके साथ ही विदेशों से फंड जुटाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के नियम को और सरल बनाने की मांग की गई है। आगामी राहत पैकेज में खास सेक्टर्स के लिए FDI से फंड जुटाने में राहत मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार कोरोना संकट से पर्यटन, हॉस्पिटलिटी, विमानन सेवा, निर्माण जैसे कई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सरकार अब इन सेक्टर को राहत देने तथा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उद्योग जगत ने एक स्वर में यह मांग की है कि बैंकों को अपना खजाना और खोलना होगा। सरकार भी जुलाई महीने में GST संग्रहण बढ़ने में मान रही है कि अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। रिजर्व बैंक 6 अगस्त को आगामी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। इसमें उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बारे में संकेत भी दिए हैं। सभार डेली हंट डेली होम धन्यवाद द डॉन एक्सप्रेस।